नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं इस ऑडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ मोबाइल पर फर्राटेदार और आसानी से इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। तो इस ऑडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद। यस सर। हाँ अरुण, देखो मैंने आपको एक पेज भेजा है, उसमें ना लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए ये सेक्शंस बनाना है हमको। समझो अपनी नोटबुक 300 पेज की रहेगी, उसमें ग्रामर के लिए कितना पेज छोड़ना है, उसके लिए कितना पेज छोड़ना है, वो सब मैंने आपको लिख के भेजा है, ठीक है। और एक पेज भेजा, देखो उसमें ग्रामर लिखा है, ग्रामर देखा आपने, वो पेज देखा आपने। हेलो अरुण। हाँ सर। हाँ आज समझो अपना पहला दिन है तो अपन शुरुआत ग्रामर से करेंगे, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली उसमें ग्रामर का। ग्रामर हाँ डालता हूँ। हाँ जी सर। ग्रामर हेडिंग डाल दिया आपने। हाँ अभी आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी प्रेजेंट टेंस लिखा ना आपने। हाँ उसके नीचे आपको लिखना है इनडेफिनेट। क्या लिखना है आपको? इनडेफिनेट। I N D E F I N I T E, इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट F I T डेफिनेट। हाँ हेलो लिखा, ठीक है। इनडेफिनेट लिख लिया आपने। अभी उसके नीचे लिखना है अफर्मेटिव। A W P R A T ना, अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या है? A W F I R M A T I V E, ठीक है। A W F I R M A T I V E affirmative, ठीक है। अभी जो आपको तो पता है कि तीन टेंसेस होते हैं बराबर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, बराबर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस को भी ना चार सब टेंसेस में डिवाइड किया होता है, इनडेफिनेट यानी सामान्य काल, कंटिन्यूस यानी चालू काल, और परफेक्ट यानी पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यूस यानी चालू पूर्ण काल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इनडेफिनेट टेंस सीख रहे हैं। अभी इनडेफिनेट टेंस में अपना सबसे पहले वाक्य क्या है? मैं खेलता हूँ। देखा आपने पेज में देखा कि नहीं ग्रामर का आपको? नहीं वो ये आपका आपने भेजा नहीं, ये देखा वो पेज आपको दिखा नहीं आपको? नहीं इसमें मैं व्हाट्सएप भी खोला पर नहीं दिखा। नहीं दिखा कोई बात, चलो मैं भेज देता हूँ। हाँ तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैं खेलता हूँ। एक मिनट, मैंने वो ये नहीं लगा रखा है। क्या क्या नहीं लगा रखा है सर? कौन से इसे भेजा आपने? एक्चुअली व्हाट्सएप पे भेजा है, मैं आपको जैसे वापस भेज देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, आप लिखते जाओ। मैं खेलता हूँ है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मैं खेलता हूँ। हाँ आई। हाँ इसका आंसर कैसा आएगा? आई प्ले। शाबाश। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, आंसर क्या आएगा? वी रीड। वेरी गुड, वी रीड। हाँ वेरी, वी रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लिखते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लिखते हैं, इसका आंसर कैसा आएगा? यू राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजू आता है। राजू कम। हाँ अभी देखो अरुण, राजू कौन सा पर्सन है? अभी आपको मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, इस पृथ्वी पर जितनी भाषाएं बोली जाती है ना, सभी भाषाओं को बोलते समय तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हम लोग खुद के बारे में बोलते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूँ, इसमें कौन सा पर्सन है? मैं खेलता हूँ फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सेकंड, हम खेलते हैं। हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं में कौन सा पर्सन आएगा? हम लोग में थर्ड पर्सन। नहीं मैंने आपको क्या बोला, जब हम लोग खुद के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं और हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, बराबर। आप ये हो गया सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा तो, बाकी सब ठीक। तो मैं खेलता हूँ इसमें कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है? आप, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें कौन सा पर्सन आ गया? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी तो फर्स्ट ही हुआ, फर्स्ट हो गया। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आप लिखते हैं, इसमें कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन आ गया।
सेकंड पर्सन हो गया, वेरी गुड, सामने वाले को बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लिखते हैं ये सेकंड पर्सन हो गया, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजू आता है। राजू आता है, अभी राजू कौन सा पर्सन है? आप और राजू तो एक ही हुआ। नहीं, आप है सेकंड पर्सन ना। देखो, मैं और हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, बराबर। आप ये हो गया सेकंड पर्सन और बाकी सब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो मैं और हम फर्स्ट हो गया, आप सेकंड हो गया, अब ये राजू कौन सा पर्सन हो गया फिर? थर्ड। थर्ड, वेरी गुड। अब ध्यान देकर सुनो, जब थर्ड पर्सन, अभी राजू थर्ड पर्सन है, अकेला है या अनेक है? अकेला ही है राजू। अकेला है, तो जब थर्ड पर्सन अकेला होता है तो वर्ब यानी क्रियापद जो होती है क्रिया, उसे एस लग जाता है। तो यहाँ पे राजू कम की जगह पे क्या आएगा? राजू कम्स। कम्स, समझ गए? लिखो राजू कम्स, लिखो राजू कम्स। हाँ, COMES, ठीक है, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो आपको पेज मिल गया होगा, खोलो दो आपका व्हाट्सएप, मिल गया आपको पेज? राजू और अमित दौड़ते हैं। वेरी गुड, राजू और अमित दौड़ते हैं, लिखो राजू और अमित दौड़ते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? राजू एंड अमित रन्स। हाँ, इसमें एस लगेगा, राजू और अमित दौड़ते हैं, इसमें रन को एस लगेगा क्या? दो आएगा तो नहीं लगेगा, सिंगल आता है। हाँ, शाबाश। थर्ड पर्सन अकेला होगा तो ही वर्ब को एस लगेगा, अन्य केसेस में वर्ब को एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। राजू और अमित दौड़ते हैं तो राजू एंड अमित रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कुछ समय से गा रही है, वो कुछ समय से गा रही है। नहीं, वो नहीं देखना आपको, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन देखना है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये लेफ्ट साइड का क्वेश्चन देखना है। वो बुलाता है। हाँ, वो बुलाता है, लिखो वो बुलाता है। इस इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वो का मतलब बुलाता है तो वो यानी ही, वो यानी क्या ही, बराबर ही। हाँ, और हाँ, बुलाने क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं, कॉल। कॉल, कॉल, अच्छा। हाँ, अभी वो बुलाता है तो ही कॉल, बराबर है ये आंसर? ही कॉल, बराबर है ये आंसर? वो बुलाता है राजू, आप लिखते हैं नहीं? हाँ, ये राइट है ना? हाँ, राइट। राइट कैसा है? देखो वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है वो? वो सेकंड पर्सन हो ना आप, सेकंड पर्सन में आप आता है, यहाँ पे क्या लिखा है? वो लिखा है, वो लिखा है, तो कौन सा पर्सन हो गया वो? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, शाबाश। अभी वो अकेला है, अकेला है कि अनेक है? वो बुलाता है मतलब तीसरा एक ही बुला रहा है। हाँ, थर्ड पर्सन अकेला है ना यहाँ पे? हाँ हाँ, तो यहाँ पे कॉल को एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, थर्ड पर्सन लग जाएगा, थर्ड पर्सन अकेला हो तो, ठीक है। तो लिखो वो बुलाता है, ही कॉल्स, ही कॉल्स। समझ गए? वो लोग गिनते हैं, वो लोग गिनते हैं, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? वो को, वो लोग, वो लोग को, वो लोग को दे बोलेंगे, वो लोग है ना यहाँ पे, वो लोग। हाँ, वो लोग को दे, गिनो क्या बोलते हैं? काउंट बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दे पीपल काउंट, दे पीपल नहीं आएगा इंग्लिश में, वो को है ना, वो लोग को है ना दे बोलते हैं, पीपल नहीं आता है, वो लोग को दे बोलते हैं, दे काउंट, COUNT काउंट। हाँ, COUNT काउंट, काउंट को ऐसा लगेगा क्या? वो लोग गिनते हैं तो काउंट को ऐसा लगेगा? नहीं, ये तो सेकंड पर्सन हो गया। नहीं नहीं नहीं, सेकंड पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आप या तुम आता है। अच्छा, सेकंड पर्सन वो लोग बुलाते हैं। हाँ, वो लोग है, तो वो लोग कौन सा पर्सन हो गया? ये सब थर्ड पर्सन ही है। हाँ, थर्ड पर्सन, सिंपल है ना, क्योंकि मैं और हम फर्स्ट हो गया, आप या तुम सेकंड, बाकी सब थर्ड, समझ गए? ओके। हाँ, तो वो लोग कौन सा पर्सन है? वो लोग गिनते हैं, मतलब दे थर्ड पर्सन हो गया, दे काउंट, दे काउंट, यहाँ पे एस लगेगा? हाँ लगेगा। कैसे लगेगा? थर्ड पर्सन हो गया तो काउंट। हाँ, थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला है क्या? मैंने आपको क्या बताया? जब थर्ड पर्सन अकेला होगा तो ही वर्ब को एस लगेगा, अन्यथा वर्ब को एस नहीं लगेगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एस लगेगा अभी? नहीं। हाँ, समझ गए ना आप? दे काउंट। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो गाती है, वो गाती है, कैसा आएगा इधर आंसर? हाँ, इधर आंसर कैसे आएगा? वो गाती है, वो का मतलब शी, शी, वेरी गुड। और गानों क्या बोलते हैं? सिंग, SING, सिंग, सिंग। हाँ, इधर एस लगेगा, सिंग को एस लगेगा क्या यहाँ पे? वो गाती है, वो गाती है, हाँ लगेगा ना सर? क्यों लगेगा? वो बुलाता है। ये आपका जवाब नहीं होना चाहिए, आपका जवाब ये ना हो, ये होना चाहिए कि वो गाती है, बोलते यहाँ पे थर्ड पर्सन है और अकेला है, अरे वो गाती है, वो कोई भी एक लड़की है ना,
जैसे अनीता है, अनीता गाती है, तो वो तो थर्ड पर्सन है और अकेली है, व्यक्ति एक ही है ना क्वेश्चन में, तो सेंटेंस में जब व्यक्ति एक ही होगा तो एस लगेगा, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे आपने जवाब क्या देना चाहिए मुझे कि सर थर्ड पर्सन अकेला है इसलिए एस लग गया, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीता सीखती है। हाँ गीता सीखती है, सीखने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लर्न, कैसा आएगा आंसर? गीता सीखती है। हाँ गीता सीखती है लर्न है ना, सीखना लर्न। हाँ तो लर्न है, यहाँ पे एस लगेगा वर्ब को? नहीं गीता तो सिंगल पर्सन है, फर्स्ट ही हुई ना, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, मैं और हम, मैं और हम। हाँ। नहीं नहीं गीता, गीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है राजू, थर्ड पर्सन है। अकेली है कि अनेक है? लगेगा। हाँ नहीं अकेली है कि अनेक है? नहीं अकेली है ना। हाँ तो एस लगेगा कि नहीं लगेगा वर्ब को? एस लगेगा। हाँ तो क्या आएगा, गीता लंस, लंस, वेरी गुड, शाबाश, गीता लंस। हाँ हेलो, हाँ क्या हो गया था, कट हो गया था क्या? हाँ हाँ तो गीता लंस लिख रही है आपने। हाँ अभी उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? गीता और मीना लड़ते हैं। हाँ लिखो। लिखा गीता एंड मीना लड़ने के लिए क्या वर्ड है? क्वारल। अच्छा क्वारल। क्यू यू ए, क्यू यू ए डबल आर, डबल आर ई एल, ई एल क्वारल। हाँ अभी आपके फाइट बोलने वाले थे क्या? आप क्या बोलने वाले थे? गीतर में लड़ते हैं तो उसके आपका आंसर क्या होता है? फाइट, फाइटिंग, फाइट है ना, मारा मारी करना एक्चुअली, और जब जवान से लड़ते हैं तो उसको क्वारल बोलते हैं, ठीक है? ओके क्वारल। अभी देखो अरुण हमारे कितने एग्जांपल हो गए, 10 एग्जांपल हो गए हमारे। अभी मैं आपको वापस एक बार बताना चाहूंगा, हम लोग क्या सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। ग्रामर में क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या सीख रहे हैं? इनडेफिनेट, बराबर। अभी आपने यहाँ पे इनडेफिनेट लिखा है ना, उसके सामने सिंपल टेंस लिख दो ब्रैकेट में, यानी इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? सिंपल टेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य काल, ठीक है? अभी उसमें हम लोग कौन से वाक्य सीख रहे हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी हम लोग सकारात्मक वाक्य की रचना कैसे होती है ये हम लोगों ने सीखा, बराबर। अभी हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव, लिखो मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, आई एन आई एन टी ई टी ई डबल आर डबल आर ओ जी ओ जी ए टी ए टी आई वी ई आई वी ई इंट्रोगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? जो हमने अफर्मेटिव में से लिखा है ना, वही हमको सेंटेंसेस यहाँ पर कॉपी करना है। पहले अफर्मेटिव में हम, हाँ सेंटेंस की स्पेलिंग टी ए एन सी ई सेंटेंस एस ई एन, ये सेंटेंस है ना, वाक्य है ये, सेंटेंस है एस ई एन टी ई एन सी ई। हेलो। हाँ लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा आपने। हाँ सेंटेंस। हाँ अभी हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, हम लोगों को क्या करना है, वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे यूज करना है। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में? मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखिए क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। हाँ और क्या मैं खेलता हूँ कैसे वो आएगा आंसर? कोशिश करो आप, रॉन्ग तो रॉन्ग कोई वो दिक्कत नहीं। क्या मैं खेलता हूँ मतलब क्या कहा तो व्हाट व्हाट आई प्ले, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा डू आई प्ले, डू आई प्ले। हाँ डू आई प्ले। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है? हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आप क्या आएगा, क्या हम लोग पढ़ते हैं, बराबर। लिखो क्या हम लोग पढ़ते हैं, आंसर क्या आएगा? क्या हम लोग तो वी डू वी, पहले डू आएगा, डू वी रीड, डू वी रीड, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्या आप लिखते हैं, वेरी गुड, लिखो क्या आप लिखते हैं? तो टू डू यू राइट, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, डू यू राइट। राजू आता है, क्या राजू आता है ना, क्या राजू आता है, कैसा आएगा आंसर? टू राजू, टू राजू कैम्स, नहीं
अभी देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, राजू कौन सा पर्सन है? थर्ड। अकेला है कि अनेक है? अकेला है। तो जब थर्ड पर्सन अकेला होगा तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। डज राजू कम, और कम को एस नहीं लगेगा, ठीक है? यहां से एस निकल जाएगा। अभी अभी क्या आएगा? डज का स्पेलिंग क्या है? डी ओ ई एस, डज। डज राजू कम, सी ओ एम ई, डज राजू कम, ओके। एस निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डज आया तो राजू निकल जाएगा, राजू आता है। हाँ, एस निकल जाएगा, एस निकल। राजू और अमित लड़ते हैं, दौड़ते हैं। क्या राजू और अमित है ना? क्या राजू और अमित दौड़ते हैं? लिखो क्या होगा इसका आंसर। राजू एंड अमित। क्या लगेगा यहाँ पे? पहले क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? नहीं, डू ही लगेगा। शाबाश, क्यों लगेगा डू? दो पर्सन है ना। हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन अकेला नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन अकेला नहीं है, ठीक है? लिखो डू राजू एंड अमित रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो बुलाता है। क्या वो बुलाता है? इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? क्या वो, क्या वो बुलाता है? अब इसका आंसर आप बोलो मुझे, क्या आएगा यहाँ पे? वो बुलाता है। मैं पहले डू आएगा कि डज आएगा? डज आएगा। डज, क्योंकि डज क्यों आएगा? उसको पूरा जवाब दो आप, क्यों आएगा डज? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अकेला है, ठीक है? चलो लिखो। डज दे काउंट? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्या वो बुलाता है ना? तो डज ही कॉल आएगा ना, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या हमारा? वो गाती है, क्या वो गाती है? हाँ, क्या वो गाती है? कैसा आएगा आंसर? डज, डज, डज शी, हाँ, सिंगिंग? नहीं, आईएनजी नहीं लगेगा, डज शी सिंग आएगा खाली। डज शी सिंग, आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, ठीक है? सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या वो गिनते हैं को? क्या क्या वो लोग है? वो नहीं, क्या वो लोग गिनते हैं? क्या वो लोग गिनते हैं? तो थर्ड पर्सन ही आएगा। थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला है क्या? नहीं, लोग है। तो फिर क्या आएगा? डस, डस आएगा कि डू आएगा? थर्ड पर्सन डस कब आता है? नहीं, डस तो दो के लिए, तो डू नहीं, डस कब आता है? सिंगल पर्सन, थर्ड पर्सन अकेला होता है, थर्ड अकेला हो तो। हाँ, यहाँ पे अब वो लोग है ना, तो क्या आएगा? डू आएगा, बराबर? डू, डू, डू दे काउंट, समझ गए? हाँ, डू दे, डू दे काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गीता नहीं, वो गाती है। हाँ, वो गाती है, क्या वो गाती है ना? क्या आएगा इसका आंसर? सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन अकेला है। हाँ, क्या आएगा? डज, डज, उसको डज बोलते हैं। डज सी, गाने के लिए क्या वर्ड है? सिंग है ना, सिंग। हाँ, डज सी सिंग। गीता सीखती है, क्या गीता सीखती है? क्या होगा इसका आंसर? क्या गीता सीखती है? गीता सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन अकेला है। थर्ड पर्सन, सॉरी। क्या आएगा आंसर? डज गीता रीड? नहीं नहीं, लर्न। डज गीता लर्न, लर्न को एस लगेगा यहाँ पे? हाँ सर, लगेगा। नहीं, एस नहीं लगेगा ना, वर्ब को देखो ना, आपने ऊपर किसी को वर्ब को एस लगाया है क्या? वर्ब को नहीं लगाया। हाँ, कॉल वगैरह को एस लगाया क्या आपने? नहीं लगाया ना। हाँ, तो जब डज आ जाता है ना सेंटेंस में कभी भी, तो वर्ब को एस नहीं लगता है, ठीक है? गीता और मीना लड़ते हैं, क्या गीता, क्या आएगा? क्या गीता और मीना लड़ते हैं, क्या होगा आंसर? गीता एंड मीना लड़ने का क्या है? क्वारल, क्वारल, Q-U-A-R-R-E-L, क्वारल, ठीक है? समझ गए?
तो अभी आज हमने क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या सीखा, हमने अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य की रचना सीखी और इंट्रोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य की रचना सीखी। ठीक है ठीक है चलो अभी हम लोग थोड़ी देर एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी देर अभी चैटिंग करते हैं। ओके मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइए। ठीक है ठीक है। हाँ आप चाय पीते हैं क्या, कैसे बोलोगे? आप चाय पीते हैं क्या? आप चाय पीते हैं भाई, क्या आप चाय पीते हैं? क्या आपको तो सर वो डू टू आएगा। हाँ डू आगे सर टू आएगा कि ना। हाँ डू, डू यू टेक टी, समझे कि नहीं? आपको सामने वाले व्यक्ति को पूछना है क्या आप चाय पीते हो, तो डू यू टेक टी। ठीक है तो आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आप चाय पीते हो, तो कैसे पूछोगे? डू यू टेक टी। शाबाश। हाँ मुझे बोलना कि हाँ मैं चाय पीता हूँ, कैसे बोलूंगा? हाँ मैं चाय पीता हूँ, यस आई टेक टी। शाबाश। आप कितनी, आप कितनी बार दिन में आप कितनी बार चाय पीते हो? आप कितनी बार चाय पीते हो दिन में? आप कितनी बार चाय पीते हो? क्या आप तो डू यू टेक टाइम टी? नहीं ऐसा आएगा इन अ डे यानी दिन में ना, तो इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी? इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स? आप क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? नहीं ये लिख रहा हूँ। नहीं नहीं ये कुछ भी लिखो मत, ऐसा ये प्रैक्टिस करना है। देखो अरुण कैसा मालूम है क्या, हम लोग हजारों सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम लोग हजारों सेंटेंसेस बोलने वाले हैं, आई मीन टू से, तो क्या हम लोग सब ये सब सेंटेंस क्या लिख लिख के थोड़ी बोलेंगे? ये तो चैटिंग के साथ आपके साथ में डेली करूंगा, तो आपको टोटली आपको ऑटोमेटिकली है ना ये समझ जाएगा कैसे वाक्य की रचना कैसे करनी है। सिमा समझ गए, जो मैं आपको लिखने को बोलूंगा ना आप सिर्फ उतना ही लिखिए, आप सब सेंटेंस लिख के पढ़ने जाएंगे ना तो आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हाँ तो ये हमारा प्रैक्टिस चालू है, अभी हम लोगों ने जो ग्रामर सीखा ना वही हम लोग बोलने की थोड़ी उस आधार पर हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो बोलो दिन में आप कितनी बार चाय पीते हो? इन अ डे इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स टेक टी? हाँ इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी? डू यू टेक टी क्या पीते हो? ओके हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी? इन अ डे पहले आपको क्या बोलना है? इन अ डे इन अ डे इन अ डे इन अ डे ने एक दिन में इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी? इन अ डे ओके नेक्स्ट। हाँ रिपीट कीजिए उसको, रिपीट कीजिए पांच बार रिपीट कीजिए तभी हमारे दिमाग में बैठेगा। इन अ डे इन अ डे हाउ मेनी टाइम टेक इट टी टेक टी डू यू टेक टी? Do you in a time in a day in a day haan. Do you nee, how many times in a day how many times how, in a day how many times take tea do you take tea sorry in a day how many times do you take tea? Shabash, repeat karo, very good. In a day how many times do you take tea? In a times in a day, day In a day, how many times do you take tea? ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं दो बार लेता हूँ, तो कैसे बोलूँगा? आप दो बार ले। I take two time. हाँ, in a day I take tea two times. In a day I take tea two times. In a day I take two times. I take tea two times. Oh, sorry, in a day I take tea two times. रिपीट रिपीट एक दो जवाब और रिपीट। इन अ डे आई टेक टी टू टाइम्स। इन अ डे आई टेक टी टू टाइम्स। इन अ डे आई टेक टी टू टाइम्स। ठीक है क्या आप कौन सा गेम खेलते हो? मैं कौन सा गेम खेलता हूं? आपको ये पूछना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है, आप कौन सा गेम खेलते हो? इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। आप कौन सा गेम खेलते हो? You कौन से के लिए क्या वर्ड है? विच है, विच। You हाँ अरुण जी, अरुण जी इसको ऐसे बोलेंगे विच गेम डू यू प्ले? विच गेम यानी कौन सा गेम ना? विच गेम डू यू प्ले? डू यू प्ले फाइव टाइम्स?
फाइव टाइम्स बोलिए, आप रिपीट कीजिए इसको। सर एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ आराम से आराम से, फोन आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, ले लो फोन ले लो। ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन और कॉल बैक लेटर। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन और कॉल बैक लेटर। यस सर, सॉरी। हाँ बोलो बोलो, हो गया बात, हो गया। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? आप क्या गेम खेलते हो? हाँ आप कौन सा गेम खेलते हो, समझो आपको ऐसा पूछना है कि आप कौन सा गेम खेलते हो। तो क्या आएगा, विच गेम डू यू प्ले? विच गेम डू यू प्ले? फाइव टाइम्स। विच गेम डू यू प्ले? विच गेम डू यू प्ले? विच गेम डू यू प्ले? ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, आप क्रिकेट कहाँ पे खेलते हो? आप पूछते हैं मुझे क्वेश्चन, कहाँ पे खेलते हो? विच नहीं, कहाँ पे, कहाँ पे, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेयर कहेंगे। विच में क्या आएगा? विच यानी कौन सा, विच यानी कौन सा, अभी वेयर है, वेयर यानी कहाँ पे। वेयर, हाँ, वेयर डू, वेयर डू यू, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? शाबाश, वेरी गुड, राइट है। लेकिन फिर भी आप पांच बार रिपीट करो जरा। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? Repeat, repeat, repeat. Where do you play cricket? Where do you play cricket? Where do you play cricket? आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो? मैं चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पे क्रिकेट खेलता हूँ। I play चंद्रशेखर आजाद। I play cricket, ऐसा नहीं है, ऐसा आएगा। I play cricket on चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड। I play cricket on चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड। चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड, समझ गए? प्ले क्रिकेट, हाँ, आई प्ले क्रिकेट चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड। आई प्ले क्रिकेट चंद्रशेखर आजाद, ऑन आएगा ग्राउंड के ऊपर ना। आई प्ले क्रिकेट चंद्रशेखर आजाद। आई प्ले क्रिकेट ऑन चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड। आई प्ले क्रिकेट ऑन चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड। 10 times. I play cricket on Chandrasekhar Azad ground. I play cricket on Chandrasekhar Azad ground. I play cricket on Chandrasekhar Azad ground. Okay, next question. Okay, very good. आई मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसको जवाब इंग्लिश में देना है, ओके? व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज अरुण जैन। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? I am 45 year old. हाँ, अभी ईयर को यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि अनेक है ना, एक होगा तो एस नहीं लगेगा, अनेक है तो एस लग जाएगा, ठीक है? तो रिपीट कीजिए, आई एम 45 years old, रिपीट कीजिए। आई एम 45 years old. आई एम 45 years old. आई एम 45 years old. ओके ओके, व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? क्या करते हो? हाँ, आप क्या करते हैं, कैसे आएगा? I am a shopkeeper. Very good. समझो आपको कैसे बोलना है कि मैं कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ, तो कैसे बोलोगे? कॉमर्स क्लासेस, मैं कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ। I am working कॉमर्स क्लासेस। हाँ, अभी ध्यान से सुनो अरुण जी, कभी भी है ना, हम लोग कोई भी चीज चलाते हैं ना, तो उसके लिए रन शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ, तो आई रन कॉमर्स क्लासेस। मैं डेयरी चलाता हूँ, हाँ रन, आई रन, मैं डेयरी चलाता हूँ, तो आई रन डेयरी शॉप। आई रन डेयरी शॉप, हाँ, चलाने के लिए हमेशा रन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो मैं कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ, कैसे बोलोगे इसको? आइटम स्पीड करो। आई रन डेयरी शॉप। आई रन कॉमर्स क्लासेस। आई रन कॉमर्स क्लासेस। आइटम्स। आई रन कॉमर्स क्लासेस। आई रन कॉमर्स क्लासेस। आई रन कॉमर्स क्लासेस। मैं नौकरी करता हूँ, तो
मैं नौकरी करता हूँ, आई एम ए सर्विस पर्सन. हाँ, आई एम डूइंग जॉब, उसके लिए आई एम डूइंग जॉब. आई एम डूइंग जॉब, मैं सर्विस कर रहा हूँ ना आजकल, तो आई एम डूइंग जॉब. ओके, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन बालगर. ओके ओके, डू यू लाइक टू ईट? हाँ, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? यस, आई लाइक आइसक्रीम. देखो मेरा क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनो और पूरा सेंटेंस आपको जवाब देना है. मैंने क्या क्वेश्चन किया, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? यस आई ईट आइसक्रीम. हाँ, लाइक शब्द का आपने इस्तेमाल नहीं किया. यस आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. मैंने आपको क्या पूछा, ये नहीं पूछा कि आप आइसक्रीम खाते हो क्या, मैंने आपको पूछा आपको आइसक्रीम खाना पसंद है क्या, तो डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम. तो आपका जवाब होना चाहिए यस आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. 5 times रिपीट कीजिए उसको. यस आई लाइक, यस आई लाइक, यस आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. यस आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. What is your qualification? I am a postgraduate. Very good. In which school did you study? अभी आपको यहाँ पे मैंने did का इस्तेमाल किया है. Do का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं आपको पूछूंगा इन विच स्कूल डू यू स्टडी, लेकिन आपका स्कूल यहाँ पर हो चुका है तो डू की जगह पे मैं डिड यानी पास्ट इंडिफरेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ. इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप किस स्कूल में पढ़े, ऐसा क्वेश्चन है. I read in Kenham school. हाँ, तो देखो यहाँ पे रीड की जगह पे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा, रेड आ जाएगा, स्पेलिंग वही है तीनों फॉर्म के, रीड 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 तीनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रेड रेड है. तो आई रेड इन केनम स्कूल, ठीक है, आई रेड इन केनम स्कूल, ये तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई स्टडीड इन, दोनों आंसर राइट है. आई रेड इन केनम स्कूल या आई स्टडीड इन केनम स्कूल, जो आपको अच्छा लगता है वो आप बोलिए. हाँ, रेड, हाँ मैं उसमें पढ़ा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है. आई स्टडीड इन, रिपीट कीजिए. आई स्टडीड इन केनम स्कूल. 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 ओके ओके ओके. डू यू नो टू राइड बाइक? डू यू नो टू राइड बाइक? डू यू नो टू राइड बाइक, यानी कि आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? बाइक, डू यू नो टू राइड बाइक, तो आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है ना? यस यस आई यस आई नो यस आई नो टू राइड बाइक. यस आई नो राइड बाइक टू राइड बाइक. यस आई नो टू राइड बाइक. आपको समझ रहे ना, आंसर समझ रहे ना? आंसर समझे? क्या आप बाइक चलाना जानते हो? यस, मेरा उत्तर है कि मैं बाइक चलाना जानता हूँ. यस आई नो, यस आई नो टू राइड बाइक. रिपीट. यस आई नो टू राइड बाइक. Yes, I know to ride bike. Yes, I know to ride bike. Yes, okay. I know to ride bike. क्या अभी अरुण जी, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, वो सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है? यानी ये सेंटेंस कैसे, देखो नॉर्मल इंग्लिश में बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको इसको एडवांस इंग्लिश में इसको कैसे वो यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ. आपको बोलना है, आपको लिखना है आई एम स्पीकिंग ओवर द फोन. इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, एडवांस लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, जैसे कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम टॉकिंग ऑन फोन बोलते हैं ना. तो इसको ऐसा ना बोलकर हमें क्या बोलना है, लिखिए, आप लिखिए आई एम, इंग्लिश में खाली इतना लिखिए आई एम एक्सचेंजिंग. हाँ, हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में इसको सीखना. आई एम एक्सचेंजिंग, ई एक्स सी एच ए एन जी आई एन जी. आई एम एक्सचेंजिंग डायलॉग्स, डी आई ए डी आई ए एल ओ जी एल ओ जी यू ई एस यू ई एस डायलॉग्स ओवर OVER मोबाइल, MOBILE इसका मतलब क्या होता है? I am exchanging dialogue over mobile. I am over mobile. OVER, हाँ OVER, over.
वी ओवर मोबाइल एक्चुअली लोग है ना गलत इंग्लिश बोलते, क्या बोलते हैं आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल बोलते हैं, वो गलत है. आई एम टॉकिंग ओवर मोबाइल या आई एम टॉकिंग ओवर फोन. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा एक इंग्लिश में लिखो, ही रिफ्यूज्ड, आर ई एफ यू एस ई डी लिखो, ही रिफ्यूज्ड लिखो, आर ई एफ यू एस ई डी अभी ऑब्लिक डालो, इसको ऑब्लिक मालूम है ना आपको, बीच में डंडी डालते हैं उसको ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक डालो और उसको एडवांस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही डिनाइड लिखो, ही डिनाइड डी ई एन आई ई डी 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 ई एन डी ई एन आई ई डी आई ई डी डिनाइड डिनाइड वर्ड सुना था कि नहीं कभी? नहीं करना. हाँ, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना. लिख लो आपको मीनिंग. हाँ, मीनिंग लिखना है तो लिख लो वहाँ पे. रिफ्यूज का मतलब कैसा होता है, इनकार करना. इसके लिए मैंने आपको पहले इजी लैंग्वेज में लिखा दिया और बाद में वही सेंटेंस मैंने आपको एडवांस इंग्लिश में लिखा है. ठीक है. फिर दूसरा लिखो, आई एम गोइंग टू वॉशरूम, आई एम गोइंग टू वॉशरूम, आई एम गोइंग टू वॉशरूम. अब ये तो सिंपल है, वॉशरूम जा रहा मैंने, हम लोग एक या दो नंबर के लिए वॉशरूम जाते हैं बराबर. इसको एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू, लिखो ऑब्लिक डालो और लिखो आई एम गोइंग टू आंसर, आई एम गोइंग टू आंसर, ए एन एस डब्ल्यू ई आर डब्ल्यू ई आर आंसर, आंसर नेचर्स कॉल, एन ए टी यू आर ई नेचर, एन ए टी यू आर ई, आपने नेचर लिखा उसके ऊपर कॉमा लगाइए, हाँ नेचर के बाजू में कॉमा लगाइए ऊपर और एस लिखिए, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, मालूम है ना. आई एम गोइंग टू आंसर नेचर्स कॉल, सी ए डबल एल सी ए डबल एल, हाँ आई एम गोइंग टू आंसर नेचर्स कॉल, इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक या दो नंबर जा रहा हूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू वॉशरूम बोलो या आई एम गोइंग टू आंसर नेचर्स कॉल, ये सुना था कि नहीं आपने? नहीं, हाँ दूसरा वर्ड लिख लिया, दूसरा वर्ड लिखिए, ही रिपीटेड, ही रिपीटेड कैसे, ये नॉर्मल लैंग्वेज है, अभी इसको एडवांस लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. ही रिपीटेड, ही रिपीटेड, इसको एडवांस लेवल में बोलेंगे ही, ऑब्लिक डालिए, ऑब्लिक डालिए लाइन में, अरे सेंटेंस में, और लिखिए ही रिएट्रेटेड, रिएट्रेटेड आर ई आई R E I T E R T E R A T E D A T E D He reiterated, यानी उसने रिपीट किया. ठीक है, हो गया ये सेंटेंस. ये reiterated वर्ड सुना था कि नहीं आपने? नहीं, reiterated नहीं सुना. ठीक है ठीक है. क्या बोलेंगे, एडवांस लैंग्वेज है ये, एडवांस इंग्लिश है. प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो. आपने क्या बोला, प्रोनाउंसिएशन बोला ना. प्रोनाउंसिएशन शब्द ही नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. लिखो उसका स्पेलिंग, लिखो प्रोनाउंसिएशन का. अच्छा अरुण जी, आपको कल एक काम करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो. मैंने आपको जो पेज भेजा ना, पेज देखो, वो आपको पेज मिला है ना, किसके लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं, तो वो आपको आपकी बुक में उतने पेजेस के भाग करने हैं. तो कैसा होगा, अभी जैसे ये वर्ड जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना, इसको वर्ड सेक्शन में लिखना है और बाकी सबको सेंटेंस सेक्शन में लिखना है. तो हम लोग फटाफट उसी सेक्शन में फटाफट हम लोग लिख लेंगे, है ना. तो आपको कल 300 पेज की नोटबुक लानी है और उसको उस हिसाब से डिवाइड करना है. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन क्या था, आपको क्या पूछा था मैंने आपको अभी? रिएट्रेट का मतलब होता है, रिएट्रेट का मतलब होता है दोहराना. रिपीट. तो सर मैंने आपको शायद एक वर्ड बोला था, मैं भी भूल गया, स्लिप हो गया माइंड से, और कोई वर्ड बोला था मैंने. प्रोनाउंसिएशन. हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन की बात हम लोग कर रहे थे बराबर. प्रोनाउंसिएशन शब्द ही नहीं है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. स्पेलिंग लिखो उसकी, पी आर ओ एन प्रनन पी आर ओ एन यू एन पी आर ओ एन यू एन U N C I A C I A T I O N
प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण लिखो आप, प्रनन, प्रनन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसका, प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये रिट्रेटेड क्या नाम बोलेंगे, रिट्रेटेड, री देखो, री एट्रेट, एट्रेट, हाँ एट्रेट, एट्रेट, री एट्रेट, री एट्रेट, हाँ री एट्रेट, हाँ री एट्रेट, इधर मैं आपसे रोज रोज प्रैक्टिस करूंगा ना तो आपकी जुबान पे बैठ जाएगा, री एट्रेट। फिर दूसरा वर्ड है, समझो आपको इंग्लिश में बोलना है कि वो गाली दे रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, लिखो ही इज अब्यूजिंग, ये हो गया नॉर्मल इंग्लिश, ही इज अब्यूजिंग, ए बी यू, हाँ ए बी यू एस आई एन जी, अब्यूजिंग, 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 यानी वो गाली दे रहा है, इसको एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अटरिंग, ही इज, He is uttering U double T E R I N G. U double T E R I N G. He is uttering profanities. P R O. P R O. ये uttering और profanities अलग अलग वर्ड है, हाँ क्या? हाँ P R O F, हाँ P R O F A N. F A N. I T. I T. IES. IES. इसके बाद ही इज अटरिंग प्रोफेनिटीज, ये सुना था कभी आपने ये वर्ड भी? नहीं, ये सब, हाँ ये सब है ना अरुण जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिए हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया मिड डे पेपर है ना, वो आप पढ़ोगे ना तो उसमें इस टाइप की, इस लेवल की इंग्लिश यूज की जाती है। ओके, ये पांचों सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको नहीं पता थे, है ना? नहीं। तो आज मैंने आपको पांच सेंटेंस दिए, कल आपका इसका रिविजन लूंगा, कल मैं आपको और पांच सेंटेंस दूंगा, डेली पांच पांच सेंटेंस मैं आपको देते जाऊंगा, और जो पहले दिए हुए ना उसको हम लोग डेली रिवाइज करेंगे, ठीक है? ओके। अभी आपके, अभी आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस मेरे को आप इंग्लिश में पूछो, चलो आपको बिंदास पूछना है, डरना नहीं जरा भी, अभी हम लोग हिंदी में तो समझो गप्पे करेंगे, वैसे ही इंग्लिश में करने हैं, पूछो चलो इंग्लिश क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछो। मेरे को ये काम करना है। नहीं नहीं, आपको ये नहीं, जैसे हम लोग आपस में गप्पे कैसे मारते हैं वैसे गप्पे मारते हैं, मैंने आपको पूछा ना विच इज योर फेवरेट डिश, विच इज योर फेवरेट, वैसा आपको, जैसे आपको पूछना है आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपकी को कौन सी मूवी अच्छी लगती है, क्या आप टीवी देखते हो, समाचार देखते हो, आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछना है, बाकी वो जो मेरे को ये काम करना है वो तो सेंटेंसेस है, वो तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है? आपको मेरे साथ में गप्पे मारने इंग्लिश में पूछने से पूछना, चलो पूछो मेरे को, चलो आपको फेवरेट एक्टर कौन है ये पूछो मेरे को, चलो कैसे पूछोगे? योर फेवरेट हीरो, हु आएगा ना पहले, तो कौन सा है ना, कौन सा के लिए क्या शब्द आएगा, हु, हु इज योर, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो फिल्मों में काम करते हैं ना उनको हीरो नहीं बोल सकते, हीरो का मतलब होता है वीर पुरुष, वो लोग कौन है जो फिल्मों में काम करते हैं, वो लोग एक्टर है, जिसे हम पात्र कहेंगे तो कास्ट, हु इज योर फेवरेट कास्ट, या तो फिर हु इज योर फेवरेट एक्टर, समझ गए? रिपीट कीजिए, हु इज योर फेवरेट, लिखो मत इसको, लिखो मत, आप लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं अभी नहीं लिख रहा हूँ। हाँ लिखो मत। हाँ, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, एक्टर, 10 टाइम्स रिपीट करो, हु इज योर फेवरेट एक्टर, रिपीट, Who is your favorite actor? 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 My favorite actor is Amitabh Bachchan. अगला क्वेश्चन पूछो अभी आप। Okay. Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन की हॉबी क्या है? अमिताभ बच्चन, व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, फाइव टाइम्स, व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, सिंगल है तो एस लगता है, अमिताभ बच्चन की ना, नहीं सिंगल है, सवाल नहीं उठता,
अरुण ध्यान से सुनो, जैसे ये अरुण की कार है तो दिस इज अरुण कार, जब है ना सेंटेंस जब है ना का की के आ जाता है ना तो ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, समझ गए, जैसे कि अमिताभ बच्चन की हॉबी का की के आ गया ना, समझ गए, तो दिस तो व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, ऐसा नहीं है कि इसमें थर्ड पर्सन अकेला है इसके लिए एस लगा है, ठीक है, बोलो व्हाट इज अमिताभ बच्चन हॉबी, तो ओके अमिताभ बच्चन हॉबी इज एक्टिंग, नेक्स्ट अमिताभ बच्चन हॉबी इज एक्टिंग, एक्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछोगे, आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट अमिताभ बच्चन हॉबी, अमिताभ बच्चन हॉबी इज एक्टिंग, अमिताभ बच्चन हॉबी HOBY, HOBY लिख रहे हो क्या इसको, ये लिखो मत तो ये सब इंट्रोगेशन में आपको पूछने वाला ना, उसमें ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सब आपको रेडीमेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये तो हम लोग चैटिंग कर रहे हैं ना, तो अभी कैसे धीरे अभी कैसे धीरे 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 डेली आपको थोड़ी 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 हिम्मत करनी है क्वेश्चंस पूछने की, फिर एक 10 दिन में ना आप बहुत अच्छे से बोलने लग जाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले दिन से प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछो मेरे को, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे पूछो आपको अंगूठी पहनना अच्छा लगता क्या, अंगूठी पहनना अच्छा लगता है क्या, यू देखो पहले तो इसमें डू आएगा, डू यू लाइक टू वेयर, डू यू लाइक वेयर रिंग, डू यू लाइक टू वेयर रिंग, रिपीट, डू यू लाइक वेयर थिंग, Do you like to wear ring आएगा? Do you like wear ring? Do you like to wear ring? Do you like wear ring? To wear आएगा, to wear. Do you like to wear ring? Ring हाँ. Repeat. मेरे पास मोबाइल है तो
यस तो लिखनी पड़ेगा। नहीं यस नहीं, यस है ना, हाँ हाँ की क्या जरूरत है, मेरे पास मोबाइल है तो आप कैसे बोलोगे आई हैव मोबाइल, सिंपल है कि नहीं? आई हैव मोबाइल आपको सेंटेंस समझा कि नहीं? समझ गया सर। हाँ तो वैसे क्या आपके पास मोबाइल है तो कैसे बोलोगे? Yes, I, क्वेश्चन पूछना है आपको, क्वेश्चन पूछना है क्या आपके पास मोबाइल है, कैसे पूछोगे इसको? क्या आपके पास मोबाइल है? Do you take a mobile? Do you have? Do you have? अभी आपको मैंने बोला ना क्वेश्चन यूज किया था ना अपन सेंटेंस, मेरे पास मोबाइल है तो कहते हैं आई हैव मोबाइल। हाँ डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, समझ आएगी नहीं? रिपीट कीजिए उसको 5 times। डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, Do you have mobile? हाँ तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपके घर पे AC है तो कैसा आएगा? क्या क्या यही आएगा? Does your home? नहीं नहीं your home कैसा आएगा? Do you have mobile in your home? Do you have AC in your home? कैसा आएगा? Do you have? ये लिखो मत, अरुण आप लिख रहे हैं क्या? लिखो मत, बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलेंगे यार, लिखो मत इसको। Do you have? Do you have? AC in your home. Do you have AC in your home? Do you have AC in your home? हाँ repeat कीजिए। Do you have AC in your home? Do you have AC in your home? Do you have AC in your home? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर फिर stop करते हैं बराबर। कैसे लगा रूंगा आपको पहले दिन, आज आपका पहला दिन था, कैसे लगा आपको? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ऐसा लगता है ना आ जाएगा अपने को? हाँ आएगा आएगा। हाँ आप ऐसा डेली आप समय देंगे ना अरुण जी तो आ जाएगा। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मेरी इतनी उम्र है तो मैं कैसे सीख पाऊंगा ये सब नहीं, नहीं, नहीं। आज आपका पहला दिन है ना, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका पहले। आपने पढ़ाई छोड़े कितने साल हो गए होंगे? 20-25 साल तो हो गए होंगे ना आराम से। हाँ तो उतने दिन के बाद भी आज आपने किया प्रैक्टिस, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है ठीक है, आपको है ना डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करनी।